रहा उमर इब्ने साद जो 22,000 का लश्कर लेके करबला में आया था हुसैन इब्ने अली के मुकाबले पे, वो साद इब्ने अबी वकास का बेटा था। और आप देखें अजीब बदकिस्मती इस शख्स की कि साद इब्ने अबी वकास ने ही वो पर्शियन अंपायर गिराई हुई है, इराक, ईरान, कूफा, ये सारा हजरत साद ने फतह किया हुआ है। अशरा मुबशरा में से है। और मौला अली का कौल है बुखारी और मुस्लिम दोनों में कि मैंने अपने कानों से सिर्फ एक शख्स के बारे में रसूलुल्लाह से सुना है कि मेरे माँ बाप उस पर कुर्बान, और वो साद इब्ने अबी वकास है। इनका नाम है साद इब्ने मालिक, अबी वकास इनके बाप मालिक की कुनियत थी, दोनों नाम एक ही से आदि है, साद इब्ने अबी वकास। मौला अली जिनके बारे में कह रहे हैं कि इन पे नबी इस्लाम ने अपने माँ बाप जमा किए हुए हैं और नबी इस्लाम के रिश्ते में मामूल लगते थे, 10 जन्नती खुश नसीब सहाबा में से, और बदरी असहाब में सबसे आखिर में ये फौत हुए हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दौर में 56 हिजरी में। इनके बाद कोई बदरी सहाबी दुनिया में नहीं रहा था।